सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देवशयनी एकादशी, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में ही देवशयनी एकादशी लिखा है। प्रिय मित्रों, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि विशेष रूप से, वैसे तो सभी तिथियां जो एकादशियां आते हैं उनमें व्रत पूजन होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी में विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी अर्थात भगवान नारायण को समर्पित यह तिथि, जिस प्रकार से अष्टमी तिथि महालक्ष्मी को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार से त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जिसे हम प्रदोष के नाम से जानते हैं, और एकादशी भगवान स्वयं श्रीमन नारायण सभी देवों के देव परमपिता परमात्मा को समर्पित यह तिथि एकादशी तिथि के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की जब चंद्रमा से हम एकादशी तिथि का अवलोकन करते हैं, तो यही तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष में आती है, और यह एकादशी तिथि विशेष रूप से पूजनीय होती है। इसको हरिशयनी एकादशी तिथि कहते हैं, और यहाँ से चतुर्मास प्रारंभ होता है, अर्थात चतुर्मास चार माह ऐसे माह प्रारंभ होते हैं जब स्वयं साक्षात नारायण भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं, अर्थात सुषुप्त अवस्था में होते हैं। वैसे तो परमपिता परमात्मा श्री नारायण क्षण मात्र भी, क्षण भर भी कभी सोते नहीं हैं, लेकिन यह चतुर्मास में वह योग निद्रा में जाते हैं और अनेक प्रकार की क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाते हैं, जिससे प्राणी मात्र का पालन पोषण और संरक्षण हो सके। चतुर्माह अर्थात जब यह हरिप्रबोधिनी एकादशी जो कि कार्तिक माह में आती है, तब तक चतुर्माह कहलाता है, चतुर्मास कहते हैं इसको। इस बार हरिशयनी एकादशी जो है वह 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। 1 जुलाई से भगवान श्रीमन नारायण योग निद्रा में चले जाएंगे। कहीं धर्म पारायण तपस्वी लोग इस चतुर्मास अवधि पर्यंत में चतुर्मास व्रत आदि नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं। श्री विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र का पाठ का इस चतुर्मास में विशेष रूप से महत्व है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं, और इस चतुर्मास में अत्यधिक खान पान से बचना चाहिए, कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। लकड़ी के बने हुए, काष्ठ के बने हुए बेड इत्यादि पर नहीं शयन करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, इत्यादि नियम है। लेकिन विशेष यह है कि चतुर्मास में अत्यधिक क्षेत्रों में, उत्तर के क्षेत्र भी हैं, कुछ मध्य क्षेत्र भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल इत्यादि कई क्षेत्रों में मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है, अर्थात यहाँ विवाह इत्यादि शुभ कार्यों का संपादन का निषेध माना जाता है। इस चतुर्मास में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में
विवाह इत्यादि नहीं होते हैं, लेकिन किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक क्षेत्र ऐसे भी हैं जो चतुर्मास में विवाह इत्यादि कार्यों को शुभ मानते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं श्री नारायण योग निद्रा में हैं तो ऐसे स्थिति में यथासंभव यह प्रयास करना चाहिए, यह प्रयत्न करना चाहिए कि आप चतुर्मास में किसी भी प्रकार का विवाह व मांगलिक कार्यों को करने से परहेज करें, अर्थात उनका निषेध करें। और तत्पश्चात जब हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत होता है उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है और तब से विवाह इत्यादि कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। तो यह हरिशयनी एकादशी व्रत आप भी बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ करें, यथासंभव जितनी आप पर शक्ति है विशेष रूप से आप अवश्य इस व्रत को करें, इस व्रत के पालन को करें, चतुर्मास्य का पालन करें। जहाँ योग निद्रा में भगवान स्वयं नारायण योग निद्रा में जा रहे हैं, वहीं योग निद्रा से भगवान शंकर श्रावण के माह में जागृत अवस्था में होंगे, तो भगवान भोलेनाथ का भी आप नित्य रूप से रुद्राभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। और भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट देव को जो मानते हैं वह श्रीमन नारायण मानते हैं, और जबकि भगवान विष्णु अपने इष्ट देव भोलेनाथ को मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में रुद्राभिषेक के साथ साथ यदि आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो उसका विशेष रूप से महत्व माना गया है। आप अवश्य रूप से भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम पाठ अवश्य करें। जनजातकों की जन्म पत्रिकाओं में पितृ दोष इत्यादि हैं, जिनको माता पिता की श्राद्ध की तिथि पता नहीं है, यदि वह इन चतुर्मास में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेते हैं, वह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा लेते हैं, तो कहते हैं एक भागवत के महायज्ञ बराबर यह पाठ होता है। तो आप सभी अवश्य करें अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने कुल के संरक्षण व हित के लिए आप अवश्य करें गजेंद्र मोक्ष का पाठ, श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ अवश्य करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें, साथ ही रुद्राभिषेक भी अवश्य करें। आपका जीवन मंगलमय हो यही हम मंगल कामनाएं करते हैं, यही मनोकामना करते हैं। नमस्कार।